हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम शायद से मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपका कोई चैप्टर नहीं बचेगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। आई थिंक सो ऑर्गेनिक करेंगे इसके बाद, या कुछ ऐसे चैप्टर्स पकड़ेंगे जो इनऑर्गेनिक में नहीं कह सकते, वो जनरल केमिस्ट्री के हैं। जैसे एक तो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बचा, और आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना? और इसी तरीके से जैसे आइसोलेशन हो गया, ये मोस्टली आपका इनऑर्गेनिक में भी नहीं कहते हैं, हम इन्हें जनरल केमिस्ट्री में कह सकते हैं। तो या तो हम वो चैप्टर्स कवर करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, जैसे भी आपका रेस्पॉन्स होगा। तो आज बेसिकली ये इक्विलिब्रियम का पार्ट वन होने वाला है। तो इक्विलिब्रियम का पार्ट वन अप्रॉक्स हाफ एन आवर का हम करेंगे इसे। तो ये पार्ट वन होगा इक्विलिब्रियम का। इसमें जस्ट बेसिक इंट्रो देंगे हम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे कैसे है। तो इक्विलिब्रियम जो है आपका, वो एस्टेब्लिश हो सकता है बोथ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात है कि मिक्सचर जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट में, उसे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। बहुत सही बात। तीसरी बात है कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम पर दो अपोजिंग प्रोसेसेस फॉरवर्ड या रिवर्स होती हैं इक्वल रेट पर, इसलिए उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया है। चौथी बात, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही बात। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था, जिसमें दोनों ही प्रोसेस फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो। फॉरवर्ड मींस प्रोडक्ट बन रहे हैं, बैकवर्ड मींस आपका प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो उसमें जब इक्वल रेट्स में हो दोनों चीज़ें, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और चीज़ क्या बताइए कि जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, उसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रोसेसेस में क्या इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है? फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन से, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अपोजिंग प्रोसेस होती हैं जो सिर्फ फिजिकल चेंजेस हों, उसे फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिस प्रोसेस में फिजिकल चेंज हो और इक्विलिब्रियम हो रहा हो, उसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है, वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड बने, लिक्विड से गैस बने, या सॉलिड से गैस बने। तो सॉलिड से मान लीजिए लिक्विड बन रहा है, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सॉलिड से गैस बन रहा है, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले बारी बारी से बात करें कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें क्या होता है, आइस अगर पानी में मिला दें किसी थर्मो फ्लास्क में 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन पर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा और जो मास है आइस और वाटर का, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की आप बात करें तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस वो इक्वल होगा रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मान लीजिए एक बकेट में आपने बकेट लिया, कुछ भी कह दो, कंटेनर, ठीक है, थर्मो फ्लास्क होना चाहिए। थर्मो फ्लास्क मीन्स एकदम बंद 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर। इसमें आपने ये लिया, आइस और वाटर मिला दिए, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए। तो इसमें कहेंगे कि जो आइस का, ये आइस है मान लीजिए, इस आइस का कुछ पर्टिकुलर मास होगा, मान लीजिए एम आइस कह देते हैं, और वाटर है लगभग,
ये हो गया मास ऑफ वाटर। तो ये कह रहे हैं कि मास ऑफ आइस मास ऑफ वाटर के इक्वल रहेगा, ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगी इक्विलिब्रियम पर, और इसी को हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान लीजिए आइस क्या करेगी, इस वाटर को जमाने की कोशिश करेगी जैसा फ्रीज में होता है, पर ये वाटर क्या होगा, इस आइस को पिघलाने की कोशिश करेगा। तो ये कह रहे हैं कि जितनी आइस मेल्ट होगी या जो रेट होगा आइस मेल्टिंग का, वही रेट होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर का। जितनी बर्फ आपकी मेल्ट होगी उतना ही जो आपका ये है पानी वो फ्रीज हो रहा होगा उसी रेट से। चलिए अब ये आपने बात की सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ फ्रीजिंग का केस आ गया तो यह हमें बात करनी पड़ेगी फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की। ये क्या चीज़ें होती हैं, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हो आप, फ्रीजिंग पॉइंट आप उसे कहते हो या मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, एक प्योर सब्सटेंस के लिए अंडर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस चीज़ को आप कहते हो, अगर बात करें हम साइड में फ्रीजिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज में, यह कह सकते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ये होता है एक वो टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रीच हो जाए या हो जाए उसे आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन इक्विलिब्रियम के केस में ये हो गई, इसे नोट कर लीजिए जल्दी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की। ये सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं आप, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ये क्या केस है भाई, ये केस है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो लिक्विड का अमाउंट होगा, लिक्विड वाटर का जो अमाउंट होगा और वाटर वेपर्स का जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा क्लोज्ड कंटेनर में। यानी कि बेसिकली रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जितना पानी इवेपोरेट होगा, एक मान लीजिए कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें पानी है और वेपर्स है, वेपर्स को हम डॉट डॉट से बना देते हैं, पानी है और वेपर्स है। तो पानी क्या करता है वेपर्स के साथ, पानी क्या है, टेम्परेचर एट, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर से भी ना देखो तो भाई वेपर क्या होंगे, कंडेंस हो गए पानी बनाएंगे, और पानी क्या होगा, गर्म हो गए वेपर्स बनाता है। तो पानी जो, जितना पानी का एवोपरेशन का रेट होगा, जितना पानी वेपर्स में चेंज हो रहा होगा, ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जितना पानी वेपर्स में चेंज हो रहा होगा उतने ही वेपर्स पानी में कंडेंस हो रहे होंगे। तो जितना एवोपरेशन का रेट होगा, कंडेंसेशन मींस वेपर्स का जो कि गैशियस फॉर्म में होते हैं, वेपर जो होते हैं वाटर वेपर गैस होते हैं, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जितने पानी वेपर्स में चेंज हो रहे होंगे उतने ही वेपर्स पानी में चेंज हो रहे होंगे। सॉलिड लिक्विड वेपर का ये एग्जाम्पल है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का। ये चीज़ भी समझ आ गई भाई आपको। अब जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ आप बात करते हो बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप बात करो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
थोड़ा मार्कर में आपको इंक फिल करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो इंक फिल हो गई है। बात कर रहे थे हम बॉइलिंग पॉइंट की। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, बॉइलिंग पॉइंट से मतलब होता है कि एक वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए फॉर अ प्योर सब्सटेंस अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 1 एटमोस्फेयर, उसे आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इज अटेंड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखिएगा, इसे नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट की, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। इसके शायद आपके थर्मो से ज़्यादा पार्ट्स बने, थर्मो तो आपका 3 पार्ट्स में आ गया कंप्लीट। हो सकता है ये भी 3 में हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए, कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन एटलीस्ट 3 तो लगेंगे ही जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों इंक्लूडेड होंगे। नोट कर लीजिएगा। चलिए लास्ट की बात करें सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ये भी उसकी तरह ही डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। किसी कंटेनर में आपने सॉलिड लिया और वेपर लिए, तो जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी भी वेसल में सबलाइम हो जाए, सबलाइम मीन्स डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, सबलिमेशन कहते थे ना थर्मोडाइनमिक्स में, एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन मीन्स जब भी कभी सॉलिड किसी गैस में चेंज हो जाए और जो हीट एंथैल्पी में चेंज आए उसे एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन कहते थे। तो जब भी कभी कोई सॉलिड सब्सटेंस के वेसल में सबलाइम हो जाए इक्विलिब्रियम पर, तो जो कंसंट्रेशन होगी सॉलिड की वो गैस के इक्वल होगी। सपोज करिए आयोडीन है और वॉयलेट वेपर्स हैं और वाइस वर्सा। ठीक है, तो आयोडीन को अगर हमने मिला दिया वॉयलेट वेपर्स के साथ, तो क्या होगा? आयोडीन गैस में जितने चेंज हो रहे हैं उतना ही गैस सॉलिड में चेंज होगा। वही बात है अपनी पुरानी वाली। इसमें तो कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें बस वही लिखना है कि रेट ऑफ सबलिमेशन ऑफ I2 जो होगा, रेट ऑफ सबलिमेशन ऑफ व्हाट ऑफ I2 सॉलिड टू वेपर्स, I2 सॉलिड टू वेपर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डी सबलिमेशन। जब भी कोई गैस सॉलिड में चेंज हो तो उसे डी सबलिमेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ डी सबलिमेशन ऑफ I2 वेपर टू सॉलिड। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ इसके इस पार्ट में हो गई। अब क्या देखते हो आप? ये तो 3 तरीके के आपने इक्विलिब्रियम देख लिए। अब क्या देखते हो? ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें डिसोल्यूशन इन्वॉल्व हो, ठीक है, सॉलिड गैस का इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर, इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो ये बताते हैं कि जब भी कभी सॉलिड आपका सॉलिड सॉल्यूट ऐड करें हम लिक्विड में, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उस सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कि जो आपकी, मान लीजिए एग्जांपल लिया इन्होंने शुगर सॉल्यूशन, एग्जांपल लिया आपने शुगर सॉल्यूशन,
जब भी आप शुगर क्या है, सॉलिड है, इसे किसी लिक्विड में आप वाटर में मिलाएंगे, है ना? वाटर में ही आप वो करो, शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉलिड है ना, आपका शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिक्विड है आपका, तो इनमें एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे जनरेट होगा? एक मान लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में अगर आप शुगर मिला रहे हो तो उनमें भी आपस में एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो सकता है, और उसी चीज़ को आप कहोगे क्या, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर जो होगा वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के इक्वल होगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर जो होगा वो इक्वल होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के, ये चीज़ आप देखते हो। उसमें लाइट हमारी जा चुकी है, कोई बात नहीं, इतना तो आपको दिख रहा होगा आई थिंक, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है। चलिए हम इसे बाद में करेंगे, वीडियो मर्ज करके। हाँ जी, तो लाइट आ गई है, तो अब हम बात कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की, तो अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की, ठीक है? डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस का लिक्विड्स में डिसोल्यूशन किस तरीके का होता है, चलिए उसकी बात करें, ठीक है? तो वह ना सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, जब भी कभी आप सोडा वाटर की बॉटल को ओपन करते हो तो तभी आपको कुछ CO2 गैस डिजॉल्व दिखती है और वो बाहर आती है रैपिडली। जब भी एक आवाज़ आती है ना, जब भी कोई इस तरीके की एसिडिक बॉटल आप ओपन करते हो, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स की, है ना, तो आपको एक अचानक से एक साउंड सुनाई पड़ती है फीज आउट की, है ना, वो साउंड आप समझ गए होंगे। तो वो किसकी वजह से होती है? वो CO2 की वजह से होती है जो कि एकदम से बाहर निकलती है, ठीक है? उसे प्रेशर कम देखा तो बाहर निकलेगी, ठीक है? द फिनोमिना अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी की वजह से होता है, ठीक है? अब सॉल्युबिलिटी और प्रेशर जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। अब जो प्रेशर है वो बॉटल के अंदर अलग होगा कुछ, और बॉटल के बाहर जो एटमॉस्फेयर है हमारा ये अलग होगा ज़रूर। बॉटल के अंदर क्या होगा, एक बहुत ही हाई प्रेशर रहेगा, जैसे ही खुलेगा वो रिलीज होगा लो प्रेशर की तरफ, और बेसिकली वो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? देर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द गैशियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। तो CO2 गैस और CO2 जो सॉल्यूशन में है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। जो CO2 गैस की फॉर्म में है और जो सॉल्यूशन में है, CO2 सॉल्यूशन, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों, ठीक है ना? अच्छा जी, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। इस इक्विलिब्रियम को हेनरी लॉ गवर्न करता है, जो हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था, जो कहता था हमसे कि जो किसी भी गैस का जो मास है डिजोल्व होगा किसी भी गिवन मास में, है ना, किसी गिवन मास के सॉल्वेंट में किसी भी टेम्परेचर पर, वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के ऊपर, बॉटल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर जो प्रेशर होगा, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर कुछ स्पेस रह जाता है ना, हमेशा फुल्ली फिल्ड बॉटल तो रहती नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या किसी भी गैस का मास जो आप डिजोल्व करते हो उस सॉल्वेंट के मास में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर।
तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर, वो डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पॉइंट लिखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी लिखिएगा, लिक्विड के अंदर जब गैस की सॉल्युबिलिटी हो तब की बात करें अगर, तो ये डिक्रीज कर जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। अगर फ्रिज से बॉटल निकाल दोगे, है ना, फ्रिज में क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी CO2 की बहुत ज़्यादा रहेगी, और फ्रिज से जैसे ही बॉटल निकालोगे और रख दोगे उसे बाहर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बाहर गर्म रहता है क्योंकि फ्रिज में कम टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2 गैस की जो क्वांटिटी है, सॉल्युबिलिटी है, वो डिक्रीज कर जाएगी बेसिकली। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो उस चीज़ को। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक क्यों कहा गया भाई, उसे ठंडी जगह रखना चाहिए, है ना, जिससे CO2 की वो बनी रहे और जो उसकी जो गैस, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि गैस रिलीज हो गई कोल्ड ड्रिंक की, या उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो CO2 रिलीज हो गई, तो वो ना हो पाए इसलिए उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने दो चीज़ें देख ली, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर, इसे अच्छे से देखते हैं। अब तक एक चीज़ तो समझ गए होंगे, जैसे ही मैं सेंटेंस ख़त्म करता हूँ नोट कर लीजिए गा, तो गा के एंड पे ही आपको, गा के एंड से पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेना है। हाँ जी, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आपका केमिकल चेंज हो सिर्फ, ठीक है, ये डायनेमिक इन नेचर है। अभी बीच में मैं खीर खा रहा हूँ तो चलिए इसे पॉज करना ठीक रहेगा। चलिए अब खीर ख़त्म हो चुकी है, आप भी सोच रहे होंगे बहुत जल्दी खाई हमने खीर, खीर खाते रहना चाहिए यार, कुछ ना कुछ मीठा लेते रहना चाहिए। चलिए तो फोकस करते हैं टारगेट पर, टारगेट पर फोकस करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा शुरू हो चुका है। चलिए 2x की स्पीड ऑन कर लीजिएगा, आराम आराम से पढ़ाया जाएगा, जिसे वही अपने पहले की तरह जो भी स्पीड आपकी अरेंज करनी है वो कर सकता है। तो चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बताया कि वो प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज हो सिर्फ, ये डायनेमिक होता है। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम हो, है ना, और बाद में भी चेंज ना हो। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर किसी भी डायरेक्शन से आप वो कर सकते हो, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है आपका वो अटेन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर सिस्टम किसी क्लोज्ड उसमें है, कंटेनर में, ठीक है ना, और फ्री एनर्जी चेंज जो होगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और टेम्परेचर पर वो ज़ीरो होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हेडिंग डाल लीजिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जो अधूरी चीज़ें थी उन्हें हम पूरा कर देंगे, इसलिए कहते हैं कि एक बार में अटैक मार दो, टूटी चीज़ को जोड़ना प्रॉपरली नहीं जोड़ पाओगे, जोड़ तो दोगे, इसलिए कहते हैं फर्स्ट जो पहली कोशिश है ना उसे आखिरी कोशिश समझो, बाकी तो बाद की बात है, लेकिन पहली कोशिश को समझो तो सही, आखिरी कोशिश। स्टूडेंट्स क्या है भाई, अरे कर लेंगे,
अब जोड़ते फिरेंगे जब एंड में टाइम आएगा। मैं पहली बार में क्यों नहीं लिखा तूने सही से, जो ये लाइन थी पहली बार में सीधी क्यों नहीं खींची। हाँ कोशिश क्यों नहीं की, जो सही होगा कहना वही होगा कि सीधी क्यों नहीं खींची, नहीं कोशिश क्यों नहीं की सीधी खींचने की, पहले ही हवा में क्यों उड़ा। तो वो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बात करें, ये अटेन हो सकता है अगर सिस्टम क्लोज हो, पढ़ चुके हम। फ्री एनर्जी चेंज जो है इसमें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वो ज़ीरो होगा, तो फ्री एनर्जी चेंज जो है आपका वो ज़ीरो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा। कब हो सकता है अचीव, जब सिस्टम क्लोज्ड हो, याद रखिएगा। एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट ओनली हेल्प्स अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। अगर आप ऐड कर दोगे कैटलिस्ट को, स्पेलिंग पर मत जाइए, अब सही लिख दी, चलिए। हाँ पहली बार में क्यों नहीं सही लिखी, वही बात, कोशिश क्यों नहीं की सही लिखने की पहली बार में, समझ रहे हो। सही लिखना ना वो किस्मत के हाथ है, वो भगवान के हाथ है, लेकिन हम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। मैं ऐसे भी तो कर सकता था इसे। कहते हैं सोच के थोड़ा, है ना, जल्दबाजी से देर भली विद डिसिप्लिन, यानी देर में देर करे जा रहे हो, जल्दबाजी से देर भली विद डिसिप्लिन अगर आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को फास्टर कर देगा, तेजी से इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट ऐड करने पर यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव हो जाएगा, जल्दी से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे वो। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फीचर्स थे। अब हम सबसे मेन चीज़, ये हम धीरे धीरे देख रहे थे, आपको भी बोर हो गए होंगे इसलिए मैंने कहा था कि 2x स्पीड कर लीजिए। अब हम थोड़ा नॉर्मल स्पीड में आएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ना चार, नोट कर लीजिएगा, ये चार सेंट मतलब जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ख़त्म होने से पहले ही आपको एसएस ले लेना है, या फिर आपको क्या कर लेना है, पॉज कर लेना है, ठीक है। यही ऑप्शंस हैं आपके पास। एसएस की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा एसएस की, कि एक्सपेरिमेंट कर रखा है मैंने, एसएस ले रखे हैं, और बाद में वो एसएस मेमोरी ही बन जाते हैं, बस उन्हें देखना नहीं हो पाता। हैंड टू हैंड नोट करिए, क्योंकि नोटबुक आपके साथ हमेशा रहेगी, और आप जो चीज़ जहाँ है ना, जिस चीज़ की जगह जहाँ पे है, वो बिल्कुल सही कहा गया किसी ने कि भाई जो चीज़ जहाँ है वो वहीं आपकी सूट करेगी, पेन पेपर पर ही सूट करेगी आपकी स्टडीज़। ये फ़ोन तो बाद में आए चीज़, पहले तो लोग लिखते थे, फ़ोन तो बाद की चीज़ है मेरे भाई या बहन, तो ये चीज़ भाई वहीं सूट करती है चीज़ें, आपकी नोटबुक में ही सही लगेगा ये नोट्स। यानी स्क्रीनशॉट ले लिया, कई महीने हो गए, चैप्टर भूल गए थोड़ा बहुत, फिर स्क्रीनशॉट देखते फिर रहे, फिर कुछ समझ नहीं आया। एटलीस्ट नोटबुक में आप अपनी वो तो लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में, जो आप कभी भी देखो फिर वो आपको हिट कर जाए चीज़ें। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एंड टाइम के रिवीजन में हेल्प करती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, ये पार्ट आई थिंक हाफ एन आवर का हो गया। तो चलिए अगले पार्ट में हम विद फुल एनर्जी आते हैं।